हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग घर से 3 किलोमीटर के दूरी पर एक छोटे से प्रोग्राम में जा रहे हैं और यहाँ प्रोग्राम के साथ साथ छोटा सा एक मेला भी लगा हुआ है। तो मैं आपको आज पूरा ये प्रोग्राम और मेला दिखाऊंगी। तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा। मेरे साथ मेरी बहन और मेरे 3 भाई आए हैं। ये तीनों हमेशा घूमते रहते हैं, देखिए पहले से आके घूम रहे हैं सब। तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे एंट्री कर ही रहे हैं। देखिए हम लोग 5 लोग हैं और फिर देखिए गेट पे लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये गेट भी लगा हुआ है और हम लोग इसके अंदर से एंट्री करेंगे। मेरे जाते जाते एक प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था, फिर एक नया फिर स्टार्ट हुआ। देख ही सकते हैं ये लड़कियों का प्रोग्राम है। हम लोग इसे ज़्यादा देर तक नहीं देखे क्योंकि बहुत भीड़ थी और खड़े होकर देखना था। चेयर कम ही था क्योंकि स्कूल का प्रोग्राम है, तो बस पेरेंट्स लोग के लिए ही चेयर रखे गए थे। यहाँ पे कई स्कूलों का एक ग्रुप मिलके यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, ये नहीं कि एक ही स्कूल, बस कई सारे ग्रुप मिलके यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। ऐसा प्रोग्राम देखने के बाद हम लोग अब सोचे चलिए मेला घूम लेते हैं। तो हम लोग मेला घूमने निकल गए। देखिए यहाँ पे ये जो लेडी हैं, ये इनके शॉप में ये बकेट है, इयररिंग्स है, नेकलेस है, फिर ये पता नहीं किस चीज़ का दुकान था, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइन होता है, यहाँ पे ड्रेस आपको खुद बना के देंगे। कुर्ती है, ड्रेस के बहुत सारे दुकान आए थे। फिर यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लिपस्टिक, नेल पॉलिश, यहाँ नेकलेस वेकलेस जाते हैं। मेरे भी अधिकतर लड़कियों का ही सामान आता है। ये देखिए यहाँ पे एक ये यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइन होता है, आपको किसी भी तरह का ड्रेस डिज़ाइन करके ये दे सकते हैं और आपको रेडीमेड भी ड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे सब नाइटी और अगरिटी से मिलता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप बस लेडी का ही सामान है। मुझे बस ये क्लेजर बहुत अच्छा लगा, बट मैं इसलिए नहीं, फिर ये तो वुमेंस के लिए है, फिर ये बच्चों के लिए और हम लोग के लिए है। ये दुकान मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं इस दुकान पर बहुत ज़्यादा देर तक क्योंकि बहुत अच्छा लगा ये मुझे दुकान। मुझे ये लॉकेट अच्छा लगा था क्योंकि मेरे भाई को मैं बोली तो वो बोला कि ठीक है चलो बाद में खरीद लूँगा, पहले मेरा घूम लो, इसलिए मैं उसे जीत नहीं की। फिर इस दुकान में बहुत रही, सब देखती रही क्या क्या है अच्छे से देख लूँ। उसके बाद बगल में ही एक पर्स का दुकान था, और मैं सोची मेरी मम्मी के लिए वो कोने वाला पर्स ले लूँ, बट मम्मी को मैंने कॉल लगाया तो उसने कहा कि नहीं मैं साइड बैग नहीं लेती हूँ, तो पता ही है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये बैग पसंद आया। फिर ये तो बच्चों का सामान है, मेरे भाई के लिए भी सोचा कुछ ले लूँ, बट मुझे बहुत दिन तक रहना है। বড়দের পূজন জন্য প্রণাম জানি এবং ছোটদের ভালোবাসা স্নেহ জানি আমার গান শুরু করছি। সকলের সহযোগিতায় আশা করি যদি আপনার সহযোগিতা করে তাহলে দিতে পারবো। তো সরাসরি গান চলে যাচ্ছি। इसके बाद हम लोग ये बाउल आइसक्रीम लिए जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं 2 प्लेट ली मेरी बहन और मेरे लिए। फिर मेरा भाई मेरे लिए वो चैन लेने गया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। वो बोला कि दीदी मेरा तो वीडियो बनाओ, मैं चैन ले रहा हूँ, मैं तो दे रहा हूँ तो सबको दिखा तो चाहिए, मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ मेरी प्यारी दीदी। फिर वो मुझको ऐसे डिज़ाइन में तैयार दिया। फिर मेले में मुझको यही बहुत पसंद आया था, मैं जब से आई थी बस इसी को देख रही थी, पहले पैसे ले ही ली थी।
उसके बाद हम लोग मोमो खाने चले गए। देखिए दोनों लोग दो प्लेट मोमो लेके खड़े हैं और हम लोग सब लोग पाँचों लोग मिलके मोमो खाए मेले में, बहुत ही मज़े किए। फिर थोड़ा सा फिर मेला घूमे, उसके बाद हम लोग घर जाना स्टार्ट किए। फिर हम लोग घर जा, ये देखिए हम लोग घर जा रहे हैं सब लोग मिलके। बहुत देर तक मेले में मस्ती हुई हम लोग की। फिर हम लोग घर जा रहे हैं। फिर घर जाते वक्त देखिए ये एक फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर पार्टी चल रही है, जैसे कि ये शायद वो है रिंग एंगेजमेंट पार्टी है। यहाँ पे जहाँ मुझे पता चला कि हाँ ये रिंग एंगेजमेंट पार्टी, मेरे भाई ने बताया ये फ्लैट के सबसे ऊपर हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मुझे मन तो कर रहा था मैं जाऊँ, बट इनविटेशन कार्ड नहीं है ना, कैसे जा सकती हूँ। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।